हाय फ्रेंड्स, नीतू क्रिएटिव कॉर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अगरबत्ती स्टैंड, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ पत्तियाँ। इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें जो डिज़ाइन बनाना है वो डिज़ाइन बना लेंगे। अब लेंगे एक पुराना डब्बा और इसमें डालेंगे थोड़ी सी बॉल पुट्टी। बॉल पुट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और इससे डो तैयार करेंगे। अब हमने जो पूटी का डो तैयार किया है उसे लेंगे और उसे अपने हाथों के सहारे फैला लेंगे। फैलाने के बाद उसे हम एक पॉलीशीट पे रखेंगे और पत्तियों को अपने डिज़ाइन के मुताबिक रख देंगे। इसे रखने के बाद हम एक दूसरा पॉलीशीट लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम किसी भी पेन या बेलन की सहायता से इसे धीरे धीरे बेल लेंगे। बेलने के बाद इसके ऊपर के पॉलीशीट को हटा देंगे और पत्तियों के आकार में काट लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर इसे रखेंगे। रखने के बाद इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और 6 से 7 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम लेंगे बॉल पुट्टी और उससे बनाएंगे फ्लावर। फ्लावर बनाने के लिए हम थोड़ा सा बॉल पुट्टी लेंगे और उसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम उसे पेटल का शेप देंगे और सारे पेटल को जोड़कर फ्लावर बनाएंगे। अगरबत्ती लगाने के लिए हम इसमें कुछ होल बनाएंगे। इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ पत्तियाँ और कुछ फ्लावर बनाएंगे और उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमने जो पत्तियाँ और फ्लावर बनाई थी वो सूख गई है, तो हम इसे चिपका लेंगे। चिपकाने के लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा बॉल पुट्टी लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया और उसका घोल तैयार कर लिया। अब एक फ्लावर लूँगी, पीछे उसके बॉल पुट्टी लगाऊँगी और अगरबत्ती स्टैंड के बेस पर चिपका लूँगी। एक एक करके हम सारे फ्लावर और पत्तियाँ चिपका लेंगे। मैंने कुछ और पत्तियाँ और फ्लावर बनाई थी, तो उसे भी एक दूसरे से चिपका लेंगे और इससे हम धूप बत्ती स्टैंड बनाएंगे। मैंने जो फ्लावर चिपकाया था वो सूख गई है, तो हम अब करेंगे इसे कलर। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन कलर। पत्तियों को मैं ग्रीन कलर से कलर करूँगी और उसके बाद मैं फ्लावर को कलर करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर कलर करने के लिए सबसे पहले लिया है येलो कलर। मुझे येलो कलर पसंद है, तो मैंने येलो कलर लिया है। आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं। बाकी के फ्लावर को मैं ऑरेंज कलर से कलर करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही स्टैंड को कलर कर लिया है। इसके फ्लावर को और भी सुंदर बनाने के लिए मैं येलो के बीच में ब्लू कलर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, कलर करते समय आप एक बात का खास ध्यान रखें, जब तक आपका एक कलर सूख न जाए तब तक आप दूसरा कलर ना डालें। फ्रेंड्स, हमारा अगरबत्ती और धूप बत्ती स्टैंड बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। ये देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें।
मैं आपको इसे चला के भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।